फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन से ना कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड में सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पर टैप करना है। आपका पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग पर टैप करना है। अब आपका पेज आता है, इसमें आपको नीचे ऑप्शन है कॉलिंग अकाउंट पर आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पेज आता है, इसमें आपको नीचे एडवांस सेटिंग पर टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आता है, इसमें आपको नीचे कॉल फॉरवर्डिंग पे आपको टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको रीडिंग सेटिंग होगा इस तरीके से थोड़ी देर तक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है 10 से 15 सेकंड तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन है ना, इसके सामने वाले बटन को टैप करके इसे ऑफ करना है, इसे बंद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसे ऑफ करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, इस नंबर को ध्यान में रखना है। इस नंबर के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि देखिए ये जो मोबाइल फोन है ना, ये मोबाइल फोन मेरा है, लेकिन ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब आपको जो है ना ये बटन जो ऑफ करना है, तो ये बटन टैप कीजिए तो आपका पेज जो अपडेट होगा थोड़ी देर, 10 से 15 सेकंड आपको फिर से यहां पे वेट करना है, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो अपडेट हो चुका है और ये बटन जो ऑफ हो चुका है, और यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे पहले नंबर दिखाई दे रहा था ना, अब वो नंबर भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है वो हट जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे सारी बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को हटाने से पहले ये सेटिंग कैसे काम करती थी कि जब कोई भी पर्सन जो है ना मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करता था ना, तो वो कॉल मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं आता था, वो कॉल जो है ना उस वाले नंबर पर चला जाता था जो नंबर यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस कॉल फॉरवर्डिंग को हमने हटा दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी हटाने के बाद, कि अब कोई भी पर्सन जो है ना, कोई भी पर्सन मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉल मेरे नंबर पे ही आएगा, अब वो कॉल उस वाले नंबर पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक कॉल फॉरवर्डिंग हटाने के बाद ऐसे ये सेटिंग काम करेगी। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग अगर लग रखी है तो इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसे इजीली हटा सकते हैं, ठीक है।